कि हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं खुद हूँ, इस बात को अपनी सरकार को बोलने के लिए कि जो उन्होंने दो दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर किया वो पूरी तरह से इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और हम अपनी सरकार को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और बाकी सारे सरकारें वो सब उसके बाद आती हैं। और 370 को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के इन लोगों ने इलीगल तरीके से बिल्कुल कहा कि अब वो खत्म हो गया है, उसका कोई भी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को उससे अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये सब कुछ एक आर्बिट्री तरीके से किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 370 के अंदर खुद ये दिया गया है कि अगर आप कभी भी हमारा प्रेजिडेंट 370 को हटाएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ के होगा। और हम कश्मीर के अंदर अगर हालात देखें तो 10 दिनों से हमारा सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रहा था, ये बोल रहा था कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, इसीलिए सारे वहां पे जितने पिलग्रिम्स थे, जितने ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, उनको वापस बुला लिया और कश्मीर को आज सीज के अंदर वहां रख दिया है। कश्मीर के सारे ऑपोजिशन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है और कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से बंद है। तो अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप जिनके लिए फैसला ले रहे हैं आज आप उन्हीं लोगों से बात नहीं करें, वो स्टेक होल्डर है लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि उनके लिए कितना बड़ा फैसला हो चुका है। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारा सरकार कश्मीरियों से प्यार नहीं करता, उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और आग लगाना देश के अंदर है, वही कश्मीर के नाम पे वो लोग कर रहे हैं। और हम जो सिटीजन्स हैं इस देश के, हम अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गलत है, इस पूरे फैसले में आपके देश के नागरिक आपके साथ नहीं है, आप इसको तुरंत ठीक करिए। 370 को, 35A को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिमाइसेस हैं, इनको वैसे के वैसे वापस से लाइए और कश्मीर के अंदर ये जो